Right. We are English Academy. See, our motto, our logo, you can see below. Learn English as you learn mother tongue. मतलब हम आपको वही तरीके से इंग्लिश सिखाएंगे जिस तरीके से आप मदर टंग मातृभाषा सीखी है. राइट. आप कोई भी घर में लैंग्वेज बोल रहे हो, डेफिनेटली हम सीखते हैं मम्मी पापा को देख के या कोई बड़ों को देख के. तो बच्चे इसी तरह से लैंग्वेज सीखते हैं. सेम वे, सेम फंडा, सेम मेथड विल बी अप्लाइड टू मेक यू फ्लुएंट, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश. आपने ये एड देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट? यस. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉन्वर्सेशन, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर स्किल्स, एवरीथिंग्स विल बी इंक्लूडेड. एंड इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, वी आर बेस्ड ऑन अहमदाबाद. हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद और वर्चुअली हम ऑल ओवर इंडिया क्लास कंडक्ट करते हैं. राइट. हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी है, पब्लिक स्पीकिंग का भी है, सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी है और आयल्स के भी क्लासेस होते हैं. यू आर अवेयर अबाउट द आयल्स, राइट? आर यू अवेयर अबाउट द आयल्स? यस सर. यस सर. तो लोग फॉरेन में फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं अदर कंट्रीज में, उनके लिए आयल्स होता है. ऑलराइट. सो वी वर्क ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन. Let's introduce English Academy, our vision and mission. See, our target is to help minimum 1,000 students across the India every year. Right? And you don't believe that in the 5 years, we taught around 2.5 lakhs across the India, offline as well as online. Right? And we help them be fluent in English language. So definitely you are going to learn from the expert one, not the ordinary. Right? And whatever right. whenever we conduct the class, either online or offline, we work with the same zeal, we work with the same enthu, and we really feel proud to provide you one of the best spoken English training so that help you to build your better career. डेफिनेटली इंग्लिश आपको सब जगह काम, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप अपने जॉब करियर बिजनेस. राइट. हमारे यहाँ सभी फेजेस इंक्लूडेड है, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. राइट. कोई भी आप भाषा सीखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पीकिंग के पहले लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट. सो हम फोकस करेंगे पहले स्पीकिंग की ओर, क्योंकि आप बड़े हो. ओके. आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना नहीं पड़ता. देन लिसनिंग की ओर, कि आप करेक्ट सुनोगे तभी ही आप करेक्ट बोलोगे. राइट. एम आई राइट? आप यस. वेरी गुड. आप करेक्ट प्रोनंसिएशन सुनोगे या फिर आप करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ोगे या सुनोगे तो ही सही से बोल पाएंगे. राइट. सो वी बिलीव दैट यू गोना लर्न विद द सेम फंडा, सेम वे द किड लर्न. हम यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रामर नहीं सिखाएंगे. देखिए, ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश क्लास में क्या होता है, चाहे आप अपने ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन, आपको ग्रामर से शुरू करवाएंगे कि पहले ग्रामर रट्टा मार लो फिर आप स्पीकिंग और राइटिंग में जाइए. नहीं, हम क्या करेंगे, ग्रामर एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों साथ में जाएंगे बाय एंड बाय. राइट. तो एक जगह ग्रामर चलता रहेगा और वही ग्रामर को हमारे रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है, हमारे डेली रूटीन सेंटेंस में, कॉन्वर्सेशन में किस तरह से उसको ऐड करना है, वो हम आपको बताएंगे. राइट. कार्तिक कुमार, मेहर, यस प्लीज कीप टर्न ऑन योर कैमरास. पंकज कुमार टू. अल्टीमेटली आवर क्लास विल बी फ्रेंडली एज वेल एज फुल ऑफ नॉलेज. कि हमारा क्लास एक फ्रेंडली रहेगा, जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर भी मिल जाएगा और एक फ्रेंडली होगा और फुल ऑफ नॉलेज भी होगा. राइट. ओके.
ग्रेट, चलिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मायसेल्फ कृणाल सोम कुंवर, आई एम अ को फाउंडर ऑफ इंग्लिश अकेडमी, जो इंग्लिश अकेडमी है मैं उसका को फाउंडर। देन आई एम अ ट्रेनर एंड कोच ऑफ स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आईएलटीएस, एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा क्लास सिर्फ, जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, अहमदाबाद में क्लासेस, अहमदाबाद गुजरात में नहीं, ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब जहां पे पब्लिक स्पीकिंग का हम ऐड करते हैं, जहां से भी हमको इंक्वायरीज आती है हम उनको सिखाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, या कोई भी कंट्रीज, राइट। मतलब हम लोग सिर्फ इंडिया कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। जिनको भी जहां भी दिक्कत है हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं, राइट। सो यू गोना लर्न, अगेन यू गोना लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, नॉट द ऑर्डिनरी वन। चलिए आपको थोड़ा मोटा मोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने आते हैं उसका आप थोड़ा देख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे यहाँ छोटे 10 बच्चे, 10 साल से उम्र के लेके बड़े बच्चे 55 इयर्स तक सारे स्टूडेंट आते हैं, राइट। क्योंकि उनको भी पता है कि टू द पॉइंट ट्रेनिंग यहाँ पर ही दिया जाएगा, ठीक है। और उन लोगों को ग्रामर भी ओनली नहीं, प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं कि उस वो अपना इंग्लिश एक बेहतरीन कर पाए। अब ऑनलाइन स्टूडेंट देख लीजिए अक्रॉस द इंडिया, राइट। आप देख पा रहे हो कि ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, ठीक है। उन सभी को टास्क दिया था, वो सभी अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहे कि वो इंग्लिश में इंप्रूव हो। और स्टूडेंट्स प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूं, कि किसी का भी कैमरा टर्न ऑन नहीं है, सो नेचुरल टॉक जैसा लगेगा ही नहीं। यस, थैंक यू राजमनोहर हक, शुभम, पंकज, नीरज, निलेश, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास सो आई कैन टॉक विथ यू नेचुरली। एक नेचुरल टॉक हो, एक नेचुरल क्लास हो। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, तो मुझे पढ़ाने का भी कुछ मजा आएगा। या कार्तिक कुमार, थैंक यू। देन राजनल, थैंक यू। नितेश जयसवाल, देन शुभम कुमार, पंकज कुमार, नीरज, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। यस, कैमरा टर्न ऑन रखिए। हाँ, आप चाहे ऑफिस में हो के घर में हो, दैट इज ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, बट इफ यू कीप योर कैमरा टर्न ऑन सो वी कैन टॉक नेचुरली, राइट। चलिए, नीलेश जयसवाल, आपका कैमरा अभी भी ऑफ है, ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, लाइट की दिक्कत होगी, दैट इज अंडरस्टूड, बट यस, यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न, टू स्ट्रगलिंग टू मेक योर सेल्फ बेस्ट, दैट इज गुड थिंग। नीरज एंड पंकज, प्लीज आप कैमरा टर्न ऑन कीजिए। चलिए हम आगे जाते हैं। आपको टास्क दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप ये सब देख रहे होंगे तो सारे स्टूडेंट ऑनलाइन वाले जिनको हम टास्क देते हैं, ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का प्रैक्टिस करें, राइट। तो सेम टास्क आपको भी दिया जाएगा, डेफिनेटली आप यहाँ पर आए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, सो डेफिनेटली वी हेल्प यू अवर बेस्ट टू मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब हमारे ऑफलाइन क्लास का थोड़ा आप नजरिया देख लीजिए। ऑफलाइन क्लास है लेफ्ट हैंड साइड,
एंड ये सारे ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। हम सिर्फ आपको थियरी नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे कि इंग्लिश एक्चुअली पढ़ना कैसे, कोई भाषा सीखना मतलब इट इज नॉट अ चाइल्ड गेम, राइट। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू पॉलिश योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको डेडिकेट रहना है, आपको हार्ड वर्क करना है, तो ही इंग्लिश इंप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। चलिए हम इंडियन स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों हम स्कूल कॉलेज डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल में है, हमारा करियर है, फिर भी इंग्लिश की वजह से क्यों हम पीछे रह रहे हैं, हम देख लेते हैं कि क्या रीजन है। फर्स्ट, आप चाहे कोई भी स्कूल कॉलेज या डिग्री आपके पास है लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आएगा या फिर कम आएगा, सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो जाएगा, राइट। अगर आप जॉब कर रहे या बिजनेस कर रहे, अगर आपका इंग्लिश लेवल कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नेटिव लैंग्वेज आपको नहीं आना चाहिए, नो, इट इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। नेटिव लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आने की वजह से हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके अच्छे क्लाइंट नहीं बनेंगे, हो सकता है कि आपका सैलरी ना बढ़े, आपका प्रमोशन ना हो, राइट। सो इंग्लिश अब ग्लोबली रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको कहा कि सैलरी भी इंक्रीज नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली हम पढ़ते क्यों है, क्यों पढ़ते, स्कूल में क्यों जाते, कॉलेजेस में क्यों जाते, ये ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे, हमारा कीमती समय यहां पर इन्वेस्ट क्यों कर रहे, डेफिनेटली टू लर्न समथिंग दैट वी कैन गिव अवर बेस्ट इन अवर रियल लाइफ, एम आई राइट, कि आप अपने लाइफ में अपना बेस्ट देना चाहते हो इसलिए ये क्लास कर रहे हो, स्कूल कॉलेज पढ़े हो, एम आई राइट, वेरी गुड। सो अल्टीमेटली आपका करियर और आप दोनों एक जैसे हो, अगर आपका करियर लेस तो आपका इनकम लेस, अगर आपका करियर लेस तो आपकी लाइफ भी लेस, आपके ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन यस आपका करियर स्किल नॉलेज अच्छा है तो आपकी लाइफ भी लेवल अप होगी, मतलब आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अल्टीमेटली घुमा फिरा क्या आएगा, आपका नॉलेज, यू मस्ट हैव नॉलेज। ज्यादातर हमारे इंडियन स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम 100% या फिर पार्शली हमारे पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स पे या फ्रेंड्स पे रिलाई करते हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे कि मेरे रिलेटिव ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, दोज आर एक्सक्यूजेस। आपकी लाइफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेना है, आपके लाइफ की डोर किसी और को मत दीजिए, ठीक है। जब तक हम बच्चे होते हैं हमको समझ में नहीं आता, दैट इज ओके, बट जब हम बड़े हो जाते हैं एट दैट पॉइंट वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर आवर लाइफ, राइट। वो मार्टिन ल्यूथर किंग ने कहा था, अगर आपने सुना है तो, ठीक है, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते जाइए, लेकिन चलते जाइए अपने गोल की ओर, राइट। दूसरा हमारा भारतीय स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, नजरिया, हमारा माइंडसेट, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग टाइम विजन नहीं होता कि अगले 5 साल में आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, कहां पर देखना चाहते हैं, हम बस इमीडिएटली थोड़ा इंटरेस्ट में आ जाते हैं, इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं और हम इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते हैं कि हाँ मुझे मिल गया बहुत है, लेकिन अपना 5 years 10 years का गोल बनाइए कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आपके पास शॉर्ट टर्म गोल के अलावा लॉन्ग टर्म भी गोल होना चाहिए, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल नहीं हुआ, रिटर्न गोल नहीं हुआ, डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। देखो आमिर खान आपको कह रहा है, क्या करने आया था, सेम क्वेश्चन सभी को होता है, राइट। सो यू मस्ट नो वेयर यू हैव टू गो आफ्टर 5 years or 10 years, राइट। अगर आपके पास इंग्लिश वाला गोल नहीं रहा तो आपको हिंदी वाला गोल गोल, मतलब पूरी लाइफ गोल गोल ही घूमते रहोगे, ठीक है। सो यू मस्ट हैव इंग्लिश वाला गोल। आजकल क्या हुआ, लास्ट 10 years से टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण भारतीय छात्रों में या फिर इंडियन स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, यस इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। आप मोबाइल फोन देख लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पर भी जाओ, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, राइट। इंग्लिश में बुक्स मिलेगी, इंग्लिश में कोर्सेज होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे, और आफ्टर 10 years
सब कुछ बदल जाएगा, सारा ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपने अभी नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, रोटी, कपड़ा और मकान, और फोर्थ नंबर हमारी मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज। ये चार चीज तो हमारी जरूरियात है, ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको फिफ्थ स्किल इंग्लिश की भी आ जाए तो फिर आप वर्ल्ड के सिटीजन हो गए, राइट। आपका नेटिव लैंग्वेज आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में काम में आ सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऑफिसर लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी है, आईएएस, आईपीएस है, या फिर आपका बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, जॉब में प्रमोशन चाहते हो, हाई सैलरी लेना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश नहीं आने की वजह से आपको प्रमोशन नहीं होगा, अच्छे क्लाइंट नहीं बनेंगे, आपका अच्छी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, आपके जो मैनेजर है वो आपके ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको देखेंगे कि आप अंडर परफॉर्मर हो, अल्टीमेटली आपका इनकम लो, आपका करियर लो, एवरीथिंग विल बी लो। अगेन, मैं अपने नेटिव लैंग्वेज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीख के अपने लाइफ पे में एक स्टार लगाई, राइट। यू मस्ट हैव स्किल, ओके। अगर आपको इंग्लिश आएगा सो आई एम मेकिंग यू श्योर कि आप दुनिया में कहीं पर भी सर्वाइव कर लोगे, कहीं पर भी। अगर आपको इंग्लिश आएगा, आप इंडिया की बात कर लो, सदर्न इंडिया में जाओ, साउथ इंडिया में आपको वो नेटिव लैंग्वेज बोलने मिलेगी सारे, और इंग्लिश बोलेंगे। ईस्टर्न इंडिया में चले जाओ, आपको पता होगा कि सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वहां पर भी अपना नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश, राइट। अगर आप अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और नेशनली इंटरनेशनली, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में डील करना ही है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो गई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, चाहे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, या फिर आपका कोई भी जॉब प्रमोशन के लिए इंटरनल टेस्ट हो गया, आपको इंग्लिश तो आना चाहिए। देर इज नो शॉर्टकट। वॉरेन बफेट को पहचानते हो आप? वॉरेन बफेट, वेरी गुड। नितेश भाई, कार्तिक, देन कृष्णा, देन राजन, देन पंकज कुमार, वॉरेन बफेट को पहचानते हो? शुभम, अगर आप पहचानते हो तो आप अपना यस इस तरह से पाम दिखा सकते हो। पंकज कुमार नहीं पहचानते, ओके, नो वरीज। अगर आप, चलिए, वॉरेन बफेट को आप गूगल में एंटर सिर्फ नाम करोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा धनी आदमी, सबसे अमीर आदमी में के लिस्ट में उनका भी एक नाम आता है, राइट। उन्होंने क्या कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे, राइट। सो आपको फोकस करना है लर्निंग पे, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फोकस करें लर्निंग पे, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो कभी चुराई नहीं जा सकती, जो कभी गुम भी नहीं होती, राइट। सो मेक श्योर फोकस ऑन दिस इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन एवरीथिंग। देखिए, डेल कार्नेगी ने एक सर्वे किया था, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि नो मैटर व्हाट जॉब यू हैव इन योर लाइफ, मतलब आप लाइफ में कोई भी जॉब करते हो, योर सक्सेस, आपकी सफलता विल बी डिटरमिन 5% फ्रॉम योर एकेडमिक क्रेडेंशियल, मतलब आप कुछ भी कॉलेज या स्कूल किया हो, कोई भी डिग्री हो, आपको सक्सेस बनाने के लिए सिर्फ 5% ही हेल्पफुल होगा, सिर्फ 5%। सोचिए, 100 में से 5 आउट ऑफ 100, आपका जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, देन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लाइक आप जॉब में कितने साल से काम कर रहे हो, बिजनेस में कितने साल के हो, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, सो वो भी आपको 15% से हेल्पफुल होगा, जस्ट 15 सक्सेस होने के लिए। लेकिन 80% आपको हेल्पफुल होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं, राइट। अगर आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे, सो डेफिनेटली योर सक्सेस रेशियो विल बी डाउन। सो वी विल फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश प्योरली। हिंदी में भी वही लिखा है,
आपके जीवन में चाहे आप जो भी नौकरी कर रहे हो, आपकी सफलता का निर्धारण आपकी शैक्षणिक से 5%, आपके पेशेवर विशेषज्ञ मतलब कोई भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 15%, और आपका कम्युनिकेशन स्किल 80% हेल्पफुल रहेगा आपको सक्सेस दिलाने के लिए। सो क्यों ना 80% के ऊपर अभी काम किया जाए। रेडी टू वर्क ऑन 80%? ग्रेट, क्योंकि देखो स्कूल कॉलेज तो हो ही जाएगा, आपको जॉब तो करना पड़ेगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जॉब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपको सब कोई नहीं सिखाएगा। यू मस्ट हैव गुड मेंटर हु हैव गुड एक्सपीरियंस हु कैन टीच यू टू द पॉइंट, नो ड्रामास, नो हसल बसल, राइट। चलिए अब हम देखेंगे आप ये कोर्स से क्या सीखेंगे, राइट, व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। हमारा थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर सिखा जाएगा, सी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, वो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए बेस रेडी करेगा, कॉन्क्रीट बेस, राइट, उसके ऊपर ही आपको बिल्डिंग बनाना है, ओके। सो अगर आपका बेस एकदम परफेक्ट होगा, मजबूत होगा, सो आपका करियर का बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगा, ओके। सो थियरी प्रैक्टिकल मतलब ग्रामर प्लस प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, जैसे आपने हमारे अदर स्टूडेंट को देखा। नाउ लेट्स जंप ऑन द सिलेबस। अब कंटेंट देख ले, कोर्स कंटेंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, आपको 2000 से भी ज्यादा वर्ड सिखाए जाएंगे इंग्लिश के, राइट, एक्सप्लेन किए जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम ये सब। ऐसा कहा जाता है, अगर आपने कहीं पर सुना होगा पढ़ा होगा, कि हमको कोई भी भाषा इंप्रूव करने के लिए अच्छी तरह से बात करने के लिए आपको मिनिमम 1000 वर्ड्स आने चाहिए, राइट, 1000 वर्ड्स आपको आने ही चाहिए। अगर आपके पास 1000 से कम वर्ड्स है, इसका मतलब आपको इंग्लिश में इंप्रूव करना, मतलब कोई भी भाषा में इंप्रूव करना, राइट। सो हम आपको 2000 वर्ड्स सिखाएंगे कि जिस तरह से आप डेली रूटीन में भी बात कर पाए। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट देखिए, ग्रामर, सॉरी सॉरी गलती से क्लिक हो गया, ओके। ओके सॉरी। सो अगर आप देखोगे तो आपको देखिए जस्ट बी ऑनलाइन, ओके। सो आपको कंप्लीट ग्रामर सिखाया जाएगा, राइट, उसके अलावा आपको इडियम फ्रेजेस मतलब ग्रामर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, राइट। आफ्टर दैट इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको इडियम फ्रेजेस पता है क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस? आप यस लिखिए चैट बॉक्स में, मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। नो, ओके नितेश आपको नहीं पता, इट्स ओके, ओके कार्तिक, नीरज, ओके कहाँ गए नीरज? यस नीरज, आप बताइए कि इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? आपका माइक अभी भी म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, मैंने आपको परमिशन दे दिया। Yes sir, is this audible right now? Hello? Yes, yes. Is this audible right now, sir? आपका आवाज नहीं आ रहा है clearly. Okay sir, मैं ये बोल रहा हूँ. आवाज आ रही है अब क्या? Idiom phrases का मतलब क्या होगा? Okay sir, बता रहा हूँ. Like जैसे कि हमने पढ़ाया है, जैसे running cats and dogs, it means ये होता है कि मूसलाधार बारिश होना. And tit for tat like जैसे को तैसे है. And इसी तरह से सरिची को बोलते हैं, आई थिंक यही सब। ओके ओके वेल ट्राइड।
चलिए अभी कार्तिक कहाँ गए? कार्तिक, यस कार्तिक, मैंने आपको परमिशन दिया है अपना माइक अनम्यूट करने के लिए। आपका कैमरा नहीं दिख रहा है कार्तिक, आप दिख नहीं रहे हो। यस अभी आप मिस्टर इंडिया से नॉर्मल इंसान बन गए। यस थैंक यू। सर, सम वर्ड विद अ प्रीपोजिशन मेक अ डिफरेंट मीनिंग। या देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस, सम फ्रेजेस स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन एंड यस सम आर डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इडियम्स ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? एनी आइडिया? एनी टाइप ऑफ मुहावरा जस्ट लाइक आई टोल्ड हिंदी। एग्जैक्टली, यस यू गॉट इट, थैंक यू सो मच। यस, कोई भी मुहावरे हो गए उनको हम कहेंगे इडियम, राइट? मुहावरे को क्या कहेंगे यस हम? यस इडियम, अपना कहानी का। राइट? जैसे कि दाल में कुछ काला है, चोर के दाढ़ी में तिनका, राइट? तो वो सारे क्या हो गए? मुहावरे। तो इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो हम इसमें सीखेंगे। ओके चलिए, फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट। लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, हम ये चारों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप अगर आपको लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग प्रैक्टिकली नहीं होगा, डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगा, राइट? सो वो चारों सेंसरी ऊपर वर्क हम करेंगे और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। देन टेंसेस, टेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेंसेस नहीं आते, इसका मतलब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है, राइट? आप ना ही अच्छी तरह से लिख पाओगे, ना ही अच्छी तरह समझ पाओगे, ना ही अच्छी तरह से समझा पाओगे, ना ही अच्छी तरह से बोल पाओगे, राइट? आप इंग्लिश में तो बोलोगे लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, राइट? सो टेंसेस आपको हेल्प करेगा सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, राइट? सो ये कोर पार्ट है। वैसे तीन टेंस है और टोटल 12, सो 12 विल बी टॉट टू यू थरली। अगेन, 12 टेंसेस विल टॉट टू यू थरली। ऐसा नहीं है कि आपको बस दे दिया, रट्टा मार लो, समझ में आ गया, नहीं। स्कूल कॉलेज के जैसा नहीं पढ़ेंगे हम, अपने रियल लाइफ के लिए पढ़ेंगे, राइट? आफ्टर दैट एक्टिव पैसिव, ओके? आफ्टर दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी, ये सारा हम टू द पॉइंट सीखेंगे, राइट? ये हो गया हमारा थियरी पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल, जो मैं सर्कल कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, गिविंग ए स्पीच, बिजनेस इंग्लिश, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। सो वी गोना फोकस दोज एक्टिविटीज। अल्टीमेटली योर स्पोकन इंग्लिश स्किल, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल विल बी शार्पन, राइट? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लिख भी रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन जब बोलने की बारी आ रही है तब आपको करेक्ट कौन करेगा? वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सो आपको ये एक्टिविटीज में हम आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, गलती हुई हम उसका लिस्ट बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, राइट? सो अल्टीमेटली आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा। ऑन द राइट साइड से देखिए, ये पार्ट है प्रॉपर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, राइट? अगेन, क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सो अगर आप अच्छी तरह से बोल पाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से इवेंट में कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कलर ऑफिशियली अच्छे हैं या ऑफिशियली उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है? आपको ग्रूमिंग, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, जब इंटरव्यू में जाते हैं तब आपको, जब आप डोर नॉक करते हो तब से लेके आप इंटरव्यू खत्म होता बाहर जाते हो, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। अल्टीमेटली यू विल लर्न हाउ टू बी अ लीडर। अगेन, यू विल लर्न हाउ टू बी अ लीडर, नॉट द फॉलोअर। आपको सिखाया जाएगा कि एक लीडर कैसे बनते हैं, राइट? लीडर घर में भी एक लीडर होता है, ऑफिस में भी लीडर होता है, मैनेजर भी लीडर हुआ, सुपरवाइजर भी लीडर हुआ, और जो भी पूरा दिन काम करते हैं, किसी की बात सुन के काम करते हैं, दोज आर फॉलोअर। सो डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ एटीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, राइट? सो आपको सॉफ्ट स्किल भी सिखाया जाएगा। अगर आपने सुना होगा, अगर आपके एरिया में या स्टेट में आप सर्च करिए,
सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कम से कम आपको 10 से 15 हजार रुपए मांगेगी वो लोग, ठीक है, सॉफ्ट स्किल के लिए। और यही चीज हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे, राइट, घर पे बैठे आप सीख सकते हो, टाइम भी बच जाएगा और आपको कहीं जाना भी नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है ये कंटेंट में, कोर्स में, तो हम आगे जाते हैं। एनी क्वेश्चन चैट बॉक्स में यस लिखिए तो मैं आपको अलाउ करूंगा। एनी क्वेश्चन? ओके शुभम नो, ओके नीरज, कार्तिक, पंकज, ओके वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए यहां हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हुआ, ठीक है, मतलब एक प्रेजेंटेशन हमारा क्लियर हुआ, हमने सीखा कि कहां पे किस तरह से हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट आपने देखा और कोर्स कंटेंट भी देख लिया। नाउ लेट्स जंप ऑन द सेकंड प्रेजेंटेशन, जस्ट बी ऑनलाइन। चलिए अभी हम एक्चुअल पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे आपने हमारा एड देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है कि हम आपको इंग्लिश सिखाने जीरो लेवल से सिखाएंगे, एकदम बेसिक से, बस आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा, दैट इज ओके, इट इज आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम, हम आपको समझा देंगे उसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन आपको पढ़ते आना चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए, अपना नाम लिखते आना चाहिए, दैट इज ओके, राइट। हेलो एंड हाय, आपने हेलो एंड हाय बचपन से सुनते आए हो, फोन में हेलो, किसी को मिलते हैं तो हाय, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में दोनों में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, एकदम छोटा सा माइक्रो लेवल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिफरेंस आपको नहीं पता है सो आपको जॉब में बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्या डिफरेंस है चलिए देख लेते हैं। जो हेलो है वो फॉर्मल वर्ड है, ठीक है, और जो हाय है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब आप ऑफिशियली सभी के साथ हाय जेस्चर से बात नहीं कर सकते, राइट। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हेलो एंड हाय। हम कोई भी किसी के साथ बात करते हैं तब हम पहले बोलते हैं कि हेलो और हाउ आर यू और हाय, राइट। हेलो क्या होता है, एक प्रोफेशनल टॉक हो गया, जैसे आपके ऑफिस में कोई सीनियर है या स्कूल कॉलेज में सर टीचर है, प्रिंसिपल है, या फिर हमारे घर में कोई बड़े है, बुजुर्ग है, तो उन लोगों के साथ अगर हम मिलते हैं तो पहले बोलना है हेलो, क्या बोलना है, हेलो, राइट, वेरी गुड। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो आपसे सीनियर है, जो आप रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, बड़े है, लेकिन आपके साथ फ्रेंडली है, आपके साथ फ्रेंडली बात करते, तो तभी आप उनके साथ हाय बोल सकते हैं, जब मिलते हैं तब हाय, या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई लोग जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते, उनको ज्यादा फ्रेंडली बनना अच्छा नहीं लगता, वो अपना रिस्पेक्ट या फिर अपना रुतबा संभाल के रखते हैं, तो उनके साथ ऑलवेज हेलो ही बोलना है, ठीक है। अगर किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हो या एक से ज्यादा बार मिलते हो, उनको आपको ऐसा लगता है कि रिस्पेक्टेड है और उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है और वो भी आपके साथ फ्रेंडली होना नहीं चाहते, सो यूज हेलो, राइट। हाय दोनों जगह चलेगा, सॉरी हेलो दोनों जगह चलेगा, लेकिन हाय सिर्फ फ्रेंडली लोगों के साथ, चाहे रिस्पेक्टेड हो, सीनियर हो, छोटे हो, बड़े हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली जेस्चर, इनफॉर्मल। सो वी रेकमेंड, हम क्या रेकमेंड करते हैं, सबके साथ हेलो से ही बात कीजिए, ठीक है, आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट, क्लियर, ओके क्लियर, एनी क्वेश्चन? ओके देखिए ये हाय हेलो वाला टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन इतना डेप्थ में आपको शायद ही कोई पढ़ाएगा,
इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपको बिगिनिंग से समझ में आएगा कि हाय कब बोलना है, हेलो कब बोलना। अब सेकंड है हे और यो। आपने देखा होगा कोई मूवीज में, हे ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन, यो ब्रो आई एम गुड, राइट। हे और यो ये लोग बोलते हैं, ठीक है। हे और यो इनफॉर्मल है, हमेशा फ्रेंड के साथ ही बात करना है, राइट। अगर आपको ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना, वो भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो आपको हो ये और यो यूज नहीं करना, राइट। आपको क्या यूज करना है, सिर्फ हेलो। क्लियर, एनी क्वेश्चन? बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी हो। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्रीटिंग्स ऑन मीटिंग्स। जब हम पहले किसी को मिलते हैं, चाहे किसी को भी साथ, तो हम बोले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, राइट। हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट कब यूज होगा, इवनिंग में आफ्टर 7 o'clock, आफ्टर 6 o'clock यू कैन से। अगर आपको सोने नहीं भी जाना है तो भी आपका मीटिंग खत्म होता है, आपको गुड नाइट बोलना है। गुड नाइट एज अ जेस्चर ऑफ गुड बाय, आप सोने नहीं जा रहे लेकिन आप उनको बोल रहे गुड नाइट, गुड बाय, राइट। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की बात करें, सो हम आपको पता ही है बचपन से हम ये पढ़ते आए, ठीक है। सब गुड मॉर्निंग को ड्रॉप करके सिर्फ मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग सर, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, गुड को आप ड्रॉप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी लगेगा हाँ इसको इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा बहुत तो है। इसका मतलब ये नहीं है आप वर्ड्स नहीं यूज करते तो आपका इंग्लिश नहीं अच्छा लग रहा है, नो। इसका मतलब आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, अल्टीमेटली योर परफॉर्मेंस लुक्स गुड, राइट। सब बोल सकते हैं मॉर्निंग फ्रेंड्स, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, गुड को ड्रॉप कर देना, ठीक है। चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल वीडियो देख ले। ये हैरी पॉटर का एक क्लिप है, ठीक है, हैरी पॉटर का एक छोटा सा क्लिप है जहां पे प्रोफेसर गुड मॉर्निंग नहीं बोल के सिर्फ मॉर्निंग बोलते, वो भी स्टूडेंट्स को, फिर बाद में गुड मॉर्निंग बोलते। चलिए ready to watch, ready to learn, Shubham, very good, Pankaj, Krishna, आपका video नहीं दिख रहा है, मतलब आप दिखाई नहीं दे रहे हो। actually क्या होगा, video नहीं दिखेगा ना तो एक friendly natural talk नहीं लगेगा, therefore I'm telling, no worries, आपका Shubham confirmation आ गया, that is good, शायद तक आप जॉब पर है ऐसा लग रहा है, ओके। चलिए आवाज आ रहा है सभी को, थम्स अप, आवाज आ रहा है, वेरी गुड, ओके। जैसे ही वो प्रोफेसर आए, इनका नाम है प्रोफेसर स्प्राउट, ठीक है, वो जैसे ही क्लास में आया उन्होंने क्या कहा, मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं कहा, फिर से ओके। सो जब भी वो क्लास में आए तभी उन्होंने क्या कहा, मॉर्निंग एवरीवन, राइट, गुड मॉर्निंग नहीं कहा, फिर कुछ लोगों ने सुना नहीं इसलिए उन्होंने टाइप करके बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, तभी गुड बोला। सब मॉर्निंग बोलो या गुड मॉर्निंग बोलो, बोथ आर राइट, ओके। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ओके। सो प्रोफेसर ने यही कहा मॉर्निंग एवरीवन, राइट। सो आप कभी भी बोल सकते मॉर्निंग सर, मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाटएवर, राइट। चलिए अब हो गया हमारा हेलो और ग्रीटिंग्स,
अब देख लेते क्वेश्चन, हम किसी को भी मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। आप यहां पर देख पाएंगे कि हाउ आर यू के इतने सारे सेंटेंसेस है, सॉरी, हाउ आर यू आप इतने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, इतने तरीके से, ओके। जितना ज्यादा आप अच्छी तरह से मतलब अलग अलग सेंटेंस यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट, सो उतना आपका इंग्लिश स्किल इंप्रूव होगा, ठीक है। ये सब आप देखो, मैं एरो कर रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग ऑन, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज एवरीथिंग, व्हाट्स न्यू, राइट। सो हाउ आर यू कहने के भी बहुत तरीके हैं। हर बार आप बोलो पूछोगे हाउ आर यू एक नॉर्मल सा इंग्लिश लगता है, लेकिन किसी को पूछो हे हाउ यू बीन, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, हेलो हाउ आर यू डूइंग, राइट। सो आपका थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगेगा और जो भी आपको ये सुनेगा वो इमिडिएटली आपको नोटिस करेगा या इसमें कुछ चेंजेस आए इंग्लिश बोल, राइट। सो वो भी आप इनडायरेक्टली आप उनको इंस्पायर करोगे, इनडायरेक्टली आप उनको मोटिवेट करोगे आपके जैसा बनने के लिए, राइट। देखिए अगर हम बात करें इसकी, हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू, राइट, हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू, ये सिर्फ रिस्पेक्टेड सीनियर और फॉर्मल यूज होगा, राइट। मतलब हाउ आर यू, हाउ डू यू डू सभी के साथ यूज होगा, लेकिन अगेन सीनियर रिस्पेक्टेड उन लोगों के साथ हाउ आर यू आपको यूज करता है, ठीक है। आप उनके साथ ऐसा नहीं बोल सकते कोई सर को मिलो कि सर हाउस गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, नहीं। आपको कोई भी सीनियर हो चाहे जॉब में हो या स्कूल कॉलेज में, आपको यही बोलना है हाउ आर यू सर या फिर हाउ डू यू डू, राइट। मतलब आप कैसे हो, अनटिल एंड अनलेस ही और शी विल बी फ्रेंडली टू यू। अगर आपके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन है तो आप बोलो हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, हाउ इज थिंग गोइंग ऑन, राइट, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू, अदरवाइज आप हाउ आर यू, हाउ डू यू डू ही बोलो, ठीक है। ये एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल जो प्रोफेशनलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी उसका आंसर भी देख लो, सारे फैंटास्टिक गुड जो भी नाम लिखे उसके आगे वर्ड लिखे उसके आगे आई एम लगा, जैसे आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, आई एम प्रीटी गुड, नॉट बैड, आई एम ओके, आई एम नॉट मच, नथिंग मच, नॉट अ लॉट, आई एम प्रीटी गुड, राइट। ये सारे आंसर आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपका मूड ठीक है तो आप बोलोगे नॉट बैड, अगर आपका मूड थोड़ा अच्छा है तो बोलोगे आई एम गुड, ओके। अगर आपका मूड और भी अच्छा है, खुश हो, आई एम फैंटास्टिक टुडे, आई एम ग्रेट, आई एम प्रीटी गुड, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आंखें, ये सारे चेंज हो जाएंगे, राइट। सो ये सारे आंसर आपको याद रखना, ग्रीटिंग्स ऑन मीटिंग्स, ओके। अब आपको ये चीज याद रखना, अगर आपको कोई भी पूछता है कि हेलो नीरज, हेलो नितेश, हेलो शुभम, हाउ आर यू, हाउ आर यू, सो आपको पहला आंसर क्या देना है, आई एम गुड, क्या कहना है, आई एम गुड। लेकिन सेकंड आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, थैंक यू फॉर आस्किंग, क्या होना चाहिए, थैंक यू फॉर आस्किंग। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपने मेरा हालचाल पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा हालचाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही आप को कोई पूछता है हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स न्यू, आपको बोला आई एम प्रीटी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, मेरा हालचाल पूछा इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट अबाउट यू और हाउ अबाउट यू, आप भी कैसे हो, आप भी कैसे हो, सामने काउंटर क्वेश्चन करना है। हम क्या करते हैं, हाउ आर यू बोला, हमने भी हाँ गुड बोला और सामने सेम क्वेश्चन किया हाउ आर यू, वो नॉर्मल सा इंग्लिश हो गया, लेकिन आपको थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा अच्छा दिखा, सो आपको बोलना है आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, तीनों सेंटेंस एक ही लाइन में होने चाहिए,
आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, राइट। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते, कौन पहले करना चाहेगा कमेंट में यस लिखिए तो मैं उसको अलाउ करूंगा या फिर मैं रैंडमली पिक करूंगा। ओके नीरज, चलिए नीरज आपकी बारे। हेलो नीरज, हाउ आर यू? नीरज आपका माइक म्यूट है। गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, सेम, मे बी वो सामने का आंसर दे सकता। ठीक है, चलिए अब कौन बोलना चाहेगा, कौन किसको प्रैक्टिस करना है या फिर मैं रैंडमली पिक करूंगा? शुभम, ओके चलिए शुभम। हेलो शुभम, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आई एम फाइन, एंड यू? एंड एक वर्ड आपने मिस कर दिया, एक सेंटेंस। थैंक यू फॉर आस्किंग, फिर से। यस, हेलो शुभम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर, एंड थैंक फॉर आस्किंग। या जो थैंक यू सर कहा उसमें आप वो चेंज करके आपको थैंक यू फॉर आस्किंग जैसा बोलो, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, राइट। चलिए फिर से, हेलो शुभम, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। और आपके काउंटर क्वेश्चन करना है, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? ओके सर, राइट, कि आप भी कैसे हो। देखिए ये सेंटेंस क्या है, आप फेमिलियर नहीं है, मतलब आप लोग डेली यूज नहीं करते या फिर आपको किसी ने बताया नहीं, पता होगा तो आपका यूज नहीं है क्योंकि हमारा एटमोसफेयर भी वैसा है, फ्रेंड और या फिर स्कूल का या ऑफिस का बिजनेस का एटमोसफेयर ऐसा नहीं है कि ये वर्ड यूज करते। लेकिन जब प्रोफेशनली टॉक करोगे किसी के भी साथ जो अच्छा पढ़ा लिखा या अच्छा वेल मैच्योर्ड सॉफ्ट स्किल्स को अच्छी आता है तो आपको ऐसा ही बोलेगा, थैंक यू फॉर आस्किंग शुभम, हाउ अबाउट यू और व्हाट अबाउट यू, राइट। सो आपको ये सेंटेंसेस याद कर रट्टा मार लेने और आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देने। कोई भी आपको पूछे हाउ आर यू, आप बोल रहे हैं आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, राइट। आपका टोन भी ऐसा होना चाहिए, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, राइट। चलिए अभी कौन ट्राई करना चाहेगा? नितेश, चलिए चलिए नितेश, रेडी? यस सर। हेलो नितेश, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू फॉर आस्किंग, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ग्रेट, वेरी गुड नितेश, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सेंटेंस को वेल फ्रेम्ड आंसर दिया, थैंक यू सर। इस तरह से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस भी किस तरह से करना है वो आपको बता दो। आपके पास आपके आजू बाजू चाहे आपके इंग्लिश में कोई बात करने वाला या वाली हो या नहीं हो, ठीक है, दैट इज द सेकेंड थिंग। फर्स्ट थिंग आप खुद हो, ठीक है, अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, अपने आप को आपका आपका बेस्ट फ्रेंड बनाओ और अपने आप से ही प्रैक्टिस करो, मिरर यूज करो, मिरर के सामने बोलो, हेलो सर, हाउ आर यू? आप भी सामने से बोलो, आई एम गुड सर, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, राइट। मिरर टेक्निक यूज करो, अभी मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, अपना वीडियो बनाओ, ठीक है, सेम देखो कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर दिक्कत आ रही है, उसको करेक्ट करो। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सॉफ्ट स्किल आउट ऑफ द वर्ल्ड, अप टू द मार्क हो जाएगा, राइट। सो मेक श्योर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपने सुना होगा ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू डैश, क्या आता है, किसको पता है, कौन बोलेगा? प्रैक्टिस मेक्स यू, यस नीरज, प्रैक्टिस मेक्स यू अ मैन परफेक्ट सर। नीरज जी एक्चुअली आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है। ओके सर, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेरी गुड, चलिए नितेश, प्रैक्टिस मेक्स सर, आई कैन से इन हिंदी? या आप हिंदी में बताइए, कोई प्रॉब्लम सर। मतलब कि सर अभ्यास इंसान को बहुत अच्छा बनाता है सर। वेरी गुड,
कृष्णा आप ऑनलाइन तो हो लेकिन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्लास में इन्वॉल्व होने का मतलब आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। अभी क्लास चल रहा है। चलिए करण, नो वरीज, ठीक है। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मैं क्या कहता हूं, प्रैक्टिस हेल्प्स यू टू इम्प्रूव, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपने कहते हैं कि भगवान भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ओके, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कोई कितने भी लेवल पर चला गया हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू बेटर, प्रैक्टिस ऑलवेज हेल्प्स यू टू बेटर, राइट, आपको अच्छा बनाता है, पहले से और बेहतरीन बनाता है। सो मेक श्योर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मेक योर सेल्फ बेटर बेटर एंड बेटर, ओके। चलिए अब आता है फेयरवेल। फेयरवेल मतलब जब मीटिंग खत्म हो जाती है और हम अलग अलग हो जाते हैं, तब आपको ये वर्ड खास याद रखने हैं, ये वाले वर्ड। देखिए मैं इसको बताऊ, ये वाला वर्ड, ये वाला सेंटेंस, देन ये वाला सेंटेंस, ठीक है। पहला कौन सा है, दिस वन, एक मिनट, क्या हो गया, ओके सॉरी। सो आपको ये वाला जो पहला सेंटेंस है, इट वॉज प्लेजर सीइंग यू और मीटिंग यू, ये वर्ड ये सेंटेंस आपको बोलना है। सेकंड, फोर्थ वाला है टेक केयर, कौन सा है, टेक केयर, राइट। सो आपको ये टेक केयर, ये वाला आप मेरा पॉइंटर देख रहे होगे, और फर्स्ट इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, ये आपको सेंटेंस बोलना ही है चाहे आप किसी के भी साथ बात करें, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको पूछा, हेलो नीरज, हाउ आर यू, तो आप क्या पूछोगे, आप क्या कहोगे, आई एम प्रेटी गुड सर, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। ये अपना हो गया फॉर्मल, लेकिन जब हम मीटिंग हमारा ओवर होता है तब हम बोलेंगे इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विथ यू सर, इट वॉज अ प्लेजर सीइंग यू, कि मतलब आपको मिलके, आपसे बात करके, आपसे मीटिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सामने वाले को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सामने जब आप किसी से बात करते हो तो उसको वो कुछ भी नहीं, वो परवाही नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो सोचेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, राइट। अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस दोगे कि हाँ आपको देख के अच्छा लगा, आपको मिलके अच्छा लगा, तो वो खुश होगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका फेस, आपका वर्ड छिप जाएगा, और कभी भी आप मिलोगे एक महीने बाद, एक साल के बाद, तो भीड़ में भी आपको पहचान लेगा। इट इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, राइट। सो आपको फर्स्ट सेंटेंस बोलना है, इट वॉज प्लेजर मीटिंग, इट वॉज नाइस सीइंग यू, राइट। ये खास बोलने हैं कंपल्सरी, आज से ही अपने दिमाग में डाल दो, आपको बोलना है थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू, और ये जब जाते हो तब It was pleasure seeing you or meeting you, right? फिर goodbye आता है, right? Good night मैंने आपको बता दिया as a goodbye, और एक है important, this one, मैं circle करे जा रहा हूं, आप देख लीजिए, ठीक है, take care, देखिए मेरा जो background बताओ, मैंने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये सभी लोगों के साथ काम किया है, राइट। तो मुझे उनका टोन, वॉइस टोन किस तरह से रेगुलरली बात करते मुझे पता है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो वो लोग क्या करते, चाहे घर में हो फ्रेंडली या ऑफिशियली, सभी को लिविंग टाइम टेक केयर बोलेंगे ही, दिस वर्ड, चाहे आपको नहीं भी पहचानते हो ना तो भी टेक केयर बोलेंगे कि अपना ध्यान रखना, ठीक है।
टेक केयर के क्या होता है, फीलिंग होता है क्या सामने वाला ने मुझे बताया कि अपना ध्यान रखना, ठीक है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन आप एक वर्ड बोल से आपकी पर्सनैलिटी शाइन कर सकते हो, सिर्फ एक सेंटेंस बोलने से, दो वर्ड, टेक केयर, राइट। सो आपको ये याद रखना है, आपको बोलना है किसी के भी साथ, आज से ही आप डाल दो अपने माइंड में कि मीटिंग खत्म होती हो, आपको बोलना है इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज नाइस सीइंग यू, गुड बाय एंड टेक केयर। क्या कहना है? गुड बाय एंड टेक केयर। चलो कौन प्रैक्टिस करेगा ये? यस लिख के बताए चैट बॉक्स में, मैं उनको अलाउ करूं। प्रैक्टिस हेल्प्स यू टू बेटर, मेक यू बेटर। नीरज सबसे पहला, यस आपका याद है नीरज, इट इज गुड। चलिए चलो, मीटिंग खत्म होती है तो आप क्या बोलोगे नीरज? यस सर, यस क्या बोलेगे आप? यस सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू, ओके एंड टेक केयर, ओके राइट सर, ओके वेरी गुड। चलिए और कौन ट्राई करेगा? चलिए नितेश बोलिए। यस सर, हाँ जी बोलिए। जब मीटिंग खत्म होते हैं तो आप कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं? इट वाज नाइस सीइंग सर एंड टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, बाय, वेरी गुड। ठीक है, और भी आपको वर्ड ऐड करने हैं, वो नीचे है, हैव अ गुड वन, आप हैव अ नाइस डे की जगह यूज कर सकते हो या फिर बोल सकते हो। और हाँ, ये लास्ट वाला एक बोलना है, सी यू, सी यू, ये देखो, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं, सी यू, ठीक है, जैसे हम फ्रेंडली बोलते हैं ना, कल मिलेंगे भैया, बाद में मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, सेम वही इंग्लिश में बोलना है, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलना, सी यू सून मतलब जल्दी मिलना, राइट। सो तीन सेंटेंस बैक टू बैक, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विथ यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मतलब फोर सेंटेंस हो, राइट, लेकिन फास्ट जाना है, ओके, इट वॉज रियली और रियली लग सका सकते, या फिर इट वॉज गुड टॉकिंग विथ यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू सून, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, या फिर रेंडमली बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सी यू का शॉर्ट फॉर्म है सिया, क्या कहोगे? सिया, जो यू को इंटरनेशनली क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री वो लोग यू को या बोलते हैं, या, सिया, सिया लेटर, See you soon, right? और एक अच्छा वर्ड है सी यू की जगह पर, कैच यू, क्या होगा? कैच यू, ठीक है। सो कैच यू का मतलब क्या है, देखिए मैं लिख सकते था यहां पर, कैच यू, ठीक है। सो आप कैच यू भी बोल सकते हैं, कैच यू मतलब क्या, सेम होगा, बाद में मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कैच करने वाले हो जैसे क्रिकेट में, नहीं, कैच यू का मतलब होगा कि बाद में मिलेंगे। सो कैच यू को भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो, कैचिया, कैचिया लेटर, कैचिया सून, राइट। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि कहां पर कौन सा चीज यूज करना, क्लियर। चलिए अभी हमारा इंट्रोडक्शन और ये फर्स्ट टॉपिक में बेसिक जो इंग्लिश सीखा उसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में फटाफट आप लिख लीजिए तो मैं मुझे पता चले, या फिर हम आगे जंप करेंगे या फिर इसके ऊपर ही ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। बहुत इजी है, बहुत बार आपने सीखा होगा। एनी क्वेश्चन? नो नो और यस यस, ओके। ओके नीरज, कोई क्वेश्चन? शुभम कोई क्वेश्चन? कृष्णा, देन करण,
वेरी गुड, चलिए वंडरफुल। तो यहां पर हमारा सेकंड प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हुआ। तो सेकंड प्रेजेंट में हमने क्या सीखा कि जब हम किसी से मिलते हैं हेलो हाय कहाँ बोलना है, गुड मॉर्निंग को मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट वॉज नाइस प्लेजर, नाइस मीटिंग यू, प्लेजर मीटिंग यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या, ये बोलना है। और जब भी आपको हाउ आर यू बोलता है तो आपको बताना है थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके नीरज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास यू कैन टॉक विद, यू कैन कॉल मी और वी कैन कंटिन्यू विद द ज़ूम। ऑलराइट, नाउ लेट्स जंप ऑन द थर्ड प्रेजेंटेशन। लेकिन मेक श्योर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो क्या एक नेचुरली बात हो पाएगा फिर से। अब हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। पहले ही आपको बताया हम जीरो से जाएंगे, जीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जीरो मतलब हमारा बेसिक चालू। सो सेंटेंस जब भी फ्रेम करते हो तो आपको क्या चीज याद रखना है, स्पेशली प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए, राइट। देखिए ये यूजुअली क्या होता है, आपने ग्रामर बुक में या फिर कोई सर टीचर से पढ़ा होगा कि वो लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब पहला पुरुष, द्वितीय पुरुष, ये सब यूज करते हैं, राइट। लेकिन हमने थोड़ा नाइसली और वाइसली वर्क किया, हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पूरा मेथड ही चेंज कर दिया, हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इस तरह कर दिया। ये आपको हर जगह काम में आएगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, राइट। फर्स्ट कॉलम क्या है, आई वी यू दे बॉयज एंड कार्स, बॉयज एंड कार्स देखो ब्रैकेट में लिखा है, एनी प्लूरल नाउन मतलब कोई भी बहुवचन नाम, ठीक है, एक से ज्यादा। कार्स की जगह बॉटल्स रख सकते हो, बॉयज की जगह गर्ल्स रख सकते हो, कुछ भी, राइट। दीज एंड दोज, ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड, ही शी इट बॉय एंड टेबल, एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी एक वचन नाम, दीज एंड दैट। चलिए वी का मतलब होगा हम सब, आपको पता ही होगा। यू मतलब आप सब या आप अकेले, ठीक है, हम तू भी बोल सकते, जैसे हम इनफॉर्मली और रफली बोलते हैं तू, या फिर आप और आप सब, उसके लिए यू होगा। दे मतलब वह सब, बॉयज ऑन कार्स मतलब प्लूरल नाउन, आप बॉयज ऑन कार्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, राइट। दीज एंड दोज हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड, ही मतलब एक लड़का, सिंगुलर, राइट। देखिए सेकंड कॉलम में सारे सिंगुलर है, सेकंड कॉलम में सारे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। फर्स्ट कॉलम में सारे प्लूरल है आई के अलावा, राइट। सो वो आप बिठा लीजिए, फर्स्ट कॉलम मतलब प्लूरल, सेकंड कॉलम मतलब सिंगुलर। शी मतलब कोई भी गर्ल या कोई भी वुमेन। इट, चलिए मुझे इस पे बात करना है, इट, इट कहां पर यूज होगा, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में यस लिखिए तो मैं उनको अलाउ करूंगा। इट IT, इसका मतलब क्या है, कहां पर यूज होता है, ओके। नितेश, नितेश जी बोलिए, इट का मतलब क्या होता है, IT? सो लाइक दैट इट इज अ टेबल, इट इज अ एंट, इट इज अ टेबल, सॉरी, ओके, ठीक है, आपने राइट आंसर दिया लेकिन हाफ राइट है। चलिए नीरज, ओके नीरज आप बताइए इट का इस्तेमाल कहां पर होता है। सर इट इज यूज्ड बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, फोन, टेबल, लाइक इट इज अ चेयर, इट इज अ फोन, इट इज अ बैग एंड दिस टाइप ऑफ दिस all those who belongs to non-living things, there can be used it, I think. Okay, very good, Neeraj, wonderful. Anyone? Okay, चलिए मैं आपको बता दूं, it का मतलब होता है वह या वो, और वो living thing और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज होगा।
लेकिन इंसानों के अलावा सब जगह यूज होगा, इसका मतलब ह्यूमंस नहीं होने चाहिए, राइट? ह्यूमंस इंसान नहीं होने चाहिए, इट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सारे के लिए, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, छोटे कीड़े मकोड़े हो, या फिर टेबल, चेयर, कार, बस, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन एक ही होना चाहिए. सो इट विल बी यूज फॉर दी ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एक्सेप्ट ह्यूमन, इंसान नहीं होने चाहिए. अब तक आप लोग स्कूल या बुक में क्या पढ़ते थे, वही लिखा होता है कि कोई एनिमल या बर्ड के लिए या फिर टेबल चेयर इसके लिए. लेकिन मेरा डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है. मैं कहूंगा कि इंसान के अलावा सब जगह इट यूज होगा, सिंगुलर. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस इट विल बी यूज फॉर एवरीवन, इट मस्ट बी सिंगुलर, एक ही होना चाहिए, राइट? जैसे कि इट इज अ डॉग भी बोल सकते हो, इट इज अ डॉग, या फिर बोल सकते हो इट इज अ चेयर, दोनों सेम है, ठीक है? मतलब दोनों के लिए इट यूज हो सकता है. इट डॉग क्या है, लिविंग थिंग, एक है, इट इज अ डॉग. चेयर नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव चीज, इट इज अ चेयर, राइट? चलिए, लेकिन इट का एक इस्तेमाल स्पेशल भी है कि इट मतलब छोटा बेबी जो 3 महीने 4 महीने का होता है उसके लिए भी हम इट यूज करेंगे, इट इज अ बेबी, राइट? लेकिन जो बड़ा हो जाता है 1 साल तक, तब हम बोलेंगे ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल. लेकिन जो छोटा होता है, इन्फंट 2 या 3 महीने का, इसके लिए इट होगा, इट्स अ बेबी, राइट? चलिए, बॉय एंड टेबल मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, दिस एंड दैट हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल भी दिया है, आई एम अ टीचर, आई एम अ वर्किंग, आई यू आर वंडरफुल, दे आर, मतलब फर्स्ट कॉलम सारा प्लूरल, सेकेंड कॉलम सारा सिंगुलर, एक्सेप्ट आई, आई को छोड़ के. Fourth number, they are waiting for us, we are preparing for the test, boys are playing, the students are learning. On the other hand, second column, sare singular hain. She is my best friend, John is a clever boy, he is writing a letter, boy is writing his homework, father is working, and it is a dog, right? Sab ke liye jayega, bahut basic hai, aapko jo bhi koi dikkat hogi, yahan pe dur ho jayega. Chaliye. अभी हम थोड़ा टेस्ट ले रहे थे आपका, जो भी हमने यहां अभी तक सीखा. चले, कौन पहले टेस्ट देना चाहेगा, चैट बॉक्स में यस लिखिए तो मैं उनको अलाउ करूंगा. वेरी इजी, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है? चलिए नीरज, चलिए नीरज, फर्स्ट टू फाइव आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट टू फाइव. यस सर, यस, फर्स्ट टू फाइव के आपको आंसर बताने हैं, क्या आएगा? कहाँ सर? फर्स्ट टू फाइव आपको क्विक टेस्ट दिख रहा है? हाँ सर, स्क्रीन पर, क्लास वन. यस, वहां पे सारे ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान. यहाँ सर दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है. मैं सर जो दिखा देख रहा हूँ मैं बोलूँ सर? वेट वेट, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर से ये शेयर और आंसर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके सर, ठीक है, अभी दिख रहा है नीरज? कैन यू सी दैट? नो नो, आई कैन वॉच. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व 1 to 5. या माय सिस्टर इज अ नर्स, यहाँ पे सर आई थिंक इज कैन बी फिल्ड. Okay. I am a boy. Very good. And third said C. Okay, just I'm guessing working on her computer. C is it. Very good. Wonderful. Okay, next fourth. We waiting for them. R hoga yahan pe sir. We are waiting for them. Yes, yes, pretty good. Fifth okay, number. Eight. An elephant. Eight is an elephant, sir. Is hoga yahan pe. Yes, wonderful Neeraj, you have given all right answer. आप 1000 रुपए जीत गए, बहुत महीने का करोड़ रुपए. But are flying in the sky. Okay, okay. Hold your horse, hold your horses. Okay, दूसरे का बेटा लाने दीजिए. Okay, okay sir, as you wish. Never mind. Thank you. चलिए, और कौन आंसर देना चाहेगा, कौन टेस्ट देना चाहेगा? Very easy. चैट बॉक्स में फटाफट आप यस लिखिए तो मैं आपको अलाउ करूँ.
चलिए मैं रैंडमली पिक करता हूं अभी। चलिए शुभम, शुभम कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल टू यू? शुभम कुमार, शुभम मेरा आवाज आ रहा है? ओके दो मिनट दीजिए, एक्चुअली वो मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, चार्जिंग पे रखा है। ओके चलिए नितेश आपकी बारी, बोले नितेश 6 to 10 आपको सॉल्व करना है। सो नंबर 6, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वेरी गुड, एंड द केटल इज बॉइलिंग, एंड बेबी इज स्लीपिंग, वंडरफुल, एंड And the girls are singing Rosnal. Okay. Please, 10 number. 10. Are you coming with me? Very good, Neeraj. Nitesh, आपने right answer दिए सारे। मतलब first second column में आप देखोगे तो birds आएगा। Birds कौन से column में आएगा, first या second में? Nitesh? R. हाँ, लेकिन कौन से column में? According to our क्लास, मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया। नितेश कैन यू हियर मी, आपका आवाज नहीं आ रहा नितेश। ओके शायद तक नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, इट्स ओके। ठीक है तो ये आपका 1 to 10 हुआ, नितेश और नीरज दोनों ने राइट आंसर दिया। अगेन हम बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक से, राइट। चलिए अब कौन आंसर देना चाहेगा, शुभम, करण, नो आइडिया? ठीक है, ये दोनों के कैमरास भी ऑफ है। चलिए नो वरीज, आपको समझ में आ गया, माय जॉब इज फिनिश्ड। ठीक है अभी आप देख लीजिए 11 टू 20 में कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आपको मोस्ट ऑफ आता ही होगा। ओके एनी क्वेश्चन इन 11 टू 20 क्वेश्चन? Any single question regarding 11 to 20? Just write no, so we will jump on the next one. Okay, I have got no from Neeraj and Nitesh. Actually, you are the only two active person. Actually, हमारा WhatsApp group आपने देखा होगा, 75 स्टूडेंट्स है। ओके नितेश 16 नंबर, देखिए 16 नंबर में है व्हाट डस दीज, ये दीज का टॉपिक अभी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। दीज मतलब एक से ज्यादा, टी एच आई एस वाला नहीं, टी एच ई एस मतलब एक से ज्यादा, नजदीक एक से ज्यादा, कि व्हाट आर दिस टाइनी ऑब्जेक्ट्स, तो 16 में आएगा आर। ओके इसका टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक उसका ही है, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूं। एनी क्वेश्चन? ओके थैंक यू, ये सारे आंसर्स हैं। ठीक है चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस और दीज, दैट एंड दोज, उसका हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए,
बहुत ही बहुत ही बहुत ही उपयोगी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए हम देख लेते हैं, पहले दिस, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम देख लीजिए, सिंगुलर ब्रैकेट में लिखा है काउंटेबल, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर होना चाहिए, मेक श्योर, एक वचन, उसके नीचे है प्लूरल, अगेन नीचे सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देख लीजिए हेडिंग, राइट हैंड साइड नियर एंड आफ्टर दैट फार, नियर मतलब नजदीक, क्लोज टू अस, फार मतलब दूर, हमसे कुछ दूर है, राइट। नियर फार में कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। चलिए अब देख लेते दिस, दी स, इसको पढ़ेंगे दी स, स राइट, स एस वाला स, दी स। अगर कोई चीज नजदीक है, नियर और सिंगुलर है, सिंगुलर एंड नियर, तो हम लगेंगे दिस, राइट, अगेन सिंगुलर एंड नियर, तो हम लगाएंगे दिस। दिस आएगा फर्स्ट सेकंड कॉलम में, दिस, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज अ चेयर, नजदीक है मेरे पास, दिस इज अ बॉटल, राइट। सेम थिंग अगर सिंगुलर है, राइट, सॉरी प्लूरल है और नियर है, तो हम लगाएंगे दिस अ, ठीक है, अगेन प्लूरल बट नियर, प्लूरल एक से ज्यादा है, तो हम लगाएंगे दिस अ, उसको पढ़ेंगे दी ज, दी ज, दी स नहीं, टी एच ई एस ई, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, दी ज, जेड वाला ज, दीज आर बॉटल्स, दीज आर मोबाइल फोन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर स्टूडेंट्स, क्लियर, दी स एंड दी ज, फिर से रिवाइज कर देते, सिंगुलर नियर दीज स, प्लूरल नियर दीज, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर एंड फार, एक वचन है, दूर है, तो लगेगा दैट, फिर से सिंगुलर फार दैट, आपसे कुछ दूर है कोई ऑब्जेक्ट और सिंगुलर है, तो आप क्या कहोगे, दैट इज अ बॉटल, That is a boy. That is a girl. That is a dog. Right? वही चीज हम देखेंगे plural far. तो use होगा those. क्या use होगा? Those. Again, plural far those. Okay? कोई चीज आपसे दूर है लेकिन एक से ज्यादा है, राइट, एक से ज्यादा है, तो हम यूज करेंगे दोज, दोज आर, क्लियर। चलिए शुभम, नीरज, नितेश एंड करण, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। लगता है नितेश का नेटवर्क इश्यू है इसलिए ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। शुभम, नीरज, करण, नितेश, इन चारों टॉपिक में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, these, that, these and those. कोई question? Okay, नीरज, okay, शुभम, very good. Okay, no worries. अब हम देख लेते it. ठीक है, it. It कब use होगा? Only for singular. It कब use होगा? Only for singular. बट इट यूज होगा नियर एंड फार दोनों के लिए, लेकिन सिंगुलर, ओके, लेकिन सिंगुलर, सिंगुलर नियर फार इट, ठीक है। इट कब यूज होगा? सिंगुलर होना चाहिए, नियर फार दोनों के लिए चलेगा। देखो दीज और दैट क्या बताता है, कि वह क्या है, कि वह क्या है, दैट इज अ बॉटल, यह क्या है, This is a mobile phone. मतलब वो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि वो का क्या है। इट क्या बताते है? वो जैसे कि इट इज अ बॉटल, मतलब वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ क्या है, राइट,
दिस दैट आप प्लेस बता सकते हैं, प्लेस के ऊपर क्या है और इट मतलब वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कोई चीज बताओ तो व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ बॉटल, इट इज अ बुक, राइट। सो सिंगुलर के लिए जो यूज होगा ओनली इट, इट इट सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों, नियर फॉर दोनों। अब देख लेते देयर, ठीक है, देयर इज और देयर आर, देयर इज एंड देयर आर दोनों के लिए यूज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है या नजदीक मतलब एकदम क्लोज नहीं, दिस और दिस के जैसे नहीं, मतलब थोड़ा नजदीक है, जैसे कि चेयर मेरे थोड़ा दूर है लेकिन नजदीक है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ चेयर, और दूर है एक से ज्यादा तो हम बोलेंगे देयर आर चेयर्स, ठीक है। सो देयर इज मतलब वहां पर, राइट, और देयर आर भी वहां पर एक से ज्यादा के। चलिए और अच्छी तरह सीखते हैं, देखिए यहां पर हमारा है एप्पल का निशान, एप्पल बड़ा दिख रहा है, दिस दिस इज एन एप्पल हमारे पास है, ठीक है। वही चीज अभी बड़े है एप्पल मतलब बड़े दिख रहे, एक से ज्यादा है तो दीज आर एप्पल्स, टी एच एस ई, इसको पढ़ेंगे दीज, अगेन क्या पढ़ेंगे, दीज, जस्ट बी ऑनलाइन। चलिए मैंने आपको सबको परमिशन दे दी है माइक ऑन रखने की, सो क्या पढ़ेंगे इसको, दीज, क्या पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए, शुभम, नीरज, नितेश, यस शुभम, क्या पढ़ेंगे हम इसको, इसका प्रोनंसिएशन से उच्चारण क्या होगा, ओके, नीरज, नितेश, नितेश और नीरज, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, यस नितेश, इसको किस तरह पढ़ेंगे, शायद अगर आपका नेटवर्क इश्यू ऐसा लग रहा है, can you hear me sir, yes I can hear you now, actually I can't see sir, I don't see anything sir on the screen, maybe आपका नेटवर्क इश्यू इसलिए आप देख नहीं पा रहे। चलो एक बार फिर से मैं स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करता हूँ, मैंने स्क्रीन ऑफ किया, ओके नाउ आपको दिख रहा है, अच्छा नितेश आपका नेटवर्क इश्यू, नो वरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट इज कॉल्ड दीज अ सिंगुलर के लिए, और एक से ज्यादा हो तो दीज अ नजदीक के लिए, ये दूर है दैट इज छोटा सिंगुलर, एंड दोज आर हमने ऑलरेडी ये आगे पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड एग्जांपल है, सेकंड बार एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बार ऑलरेडी हमने दीज और ये सीख लिया, दीज और दैट का मीनिंग, ठीक है, जो अभी अभी ज्वाइंट हुए माइट भी आपको आधा ही पता चलेगा, राइट। पानी पीने चला गया था, पार्डन मी, यस, ओके चलिए मैं कंटिन्यू रखता हूं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज एन एप्पल, दूर है एक ही है और एक से ज्यादा है, 2000 एप्पल्स, राइट। अब इट देख लीजिए, इट इट मतलब वह चीज क्या है, नजदीक होगा, इट इज एन एप्पल, दूर है फिर भी इट इज एन एप्पल, राइट। अब देयर देख लीजिए,
इज और आर दोनों के साथ आएगा, ठीक है, नजदीक है या दूर है, देयर इज एन एप्पल, देयर आर एप्पल्स, दोनों राइट है, ओके, देयर इज एन एप्पल एंड देयर आर एप्पल्स, दोनों ही राइट है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिए। दिस दैट दीज दोज इट देयर, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चन? नीरज, नितेश, करण, शुभम, या मुझे आपके यहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है? हाँ नीरज, नो, वेरी गुड, नितेश, करण, शुभम, शुभम सेड नो, वेरी गुड। शुभम आपको अगर सब समझ में आ रहा है तो आपका मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, क्योंकि आप हर बार कहते हो कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट इज गुड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन निकालिए, कुछ भी, ओके, आप बिजी हो, ओके, नो वरीज, नो वरीज। नितेश एंड करण, एनी क्वेश्चन? ओके, हाँ समझ सकते हैं, नो वरीज, बिकॉज वर्किंग टाइम, ओके शुभम, नो वरीज, चलिए कोई प्रॉब्लम। करण एंड नितेश, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, दीज, दीस एंड दीज, दैट एंड दोज? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए यस सर और नो सर, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। करण, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नितेश, आपका रिप्लाई बाकी रहा? शायद तक नितेश का नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो कुछ। चलिए हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब कोई भी आपको सेंटेंस बनाना है तो दिस दैट दिस दोज यूज करना है, इट विल इजी फॉर यू। चलिए लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, ये हो गया हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल विजुअल सेंटेंस मेकिंग टास्क। यहां पर आपको पिक्चर दिखेगा, पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर से आपको सेंटेंसेस बनाने, राइट, ये पिक्चर से आपको सेंटेंसेस बनाने। चलो हमारे पास तीन स्टूडेंट है, नीरज, करण एंड शुभम। चलिए कौन सेंटेंस बनाएगा? जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं कि देयर आर फोर चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर, अगेन देयर आर फोर चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? नीरज, यस नीरज, यस नीरज, यस नीरज, गो फॉर इट। Okay, sir. Here, as I can see here, this is Sarah, and this is John, and this is Bob, and here is Rita. And okay. I think these are playing here or enjoying near of a river. And in this river, like a duck and a swan, I think a tortoise also are just swimming in this river. And, very good, Niraj. And wonderful. Okay. May I carry on, sir? Let's give the chance to other students. You have given right answer. Your observation is really good. Thank you. Okay. Anyone apart from Niraj? Anyone wants to try? Nitesh, yes. Chaliye, Nitesh. Make sentences. Sir, yes. Sir, I can say this is a Sarah. Okay. I'm sorry, Sarah is a girl and John is a boy. Apart from their children, there are many things. Observe this picture, full picture, and make sentences. There are many objects in this picture.
ओके सर सर आई एम सॉरी सर बट उतना अभी तो ना सकते हैं सर, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। देखिए सेंटेंस देखो इजीली बना पाओगे, दैट देयर आर टू बटरफ्लाइज, देयर इज वन स्क्विरल, देयर आर टू बर्ड्स एंड वन टर्टल्स, राइट, देयर आर मेनी ट्रीज, स्काई इज ब्लू, वाटर इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, देयर आर सम हिल्स, ठीक है, कितने सारे सेंटेंस निकल रहे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि रीटास हेयर कलर इज येलो, बॉब्स कैप इज ग्रीन, जॉन्स हेयर इज ब्राउन, इट इज सारा नॉट सारा, नीरज इट इज सारा नॉट सारा, हिंदी में प्रोनाउंस नहीं करना, उसका प्रोनाउंस होगा सारा, राइट, जो हम हमारा जो एक हीरोइन है सारा, ठीक है ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली उसको सारा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सारा, सारा जॉन बॉब रीटा, राइट, सारा नॉट सारा, सारा जॉन बॉब रीटा। चलिए चलिए, सो ये हमारा हो विजुअल सेंटेंस मेकिंग टास्क, ठीक है। ऐसे इस तरह से आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाएंगे जिसकी वजह से आपका ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, ऑब्जर्वेशन, मतलब कहीं से भी आप सेंटेंस बना पाओगे, राइट, सो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्पीकिंग अल्टीमेटली आप थिंक करना शुरू हो जाएगा इंग्लिश में, राइट, और जो कुछ भी अभी दिक्कतें आ रही है definitely it will be overcome, okay, so ये हमारा एक कोर्स का पार्ट है। देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा है आज, फर्स्ट ग्रीटिंग सीखे, राइट, हेलो हाउ आर यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू वगैरह वगैरह। सेकेंड हमने सीखा है फेयरवेल, जो हम मीटिंग ओवर हो जाने के बाद बोलते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कहां पे एम लगेगा, कहां पे इज लगेगा, कहां पे आर लगेगा, टू कॉलम्स, राइट। फोर्थ द डिफरेंस बिटवीन दिस दीज दैट दोज इट एंड देयर, ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमको पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कैसे बनाए, सो आप ये ऑब्जेक्ट यूज कर सकते। फिफ्थ नंबर विजुअल सेंटेंस मेकिंग मेथड, कि आप कोई भी चीज को अगर रियल लाइफ में कहीं पर आप हो वो चीज को आपने देख के तुरंत सेंटेंस बना ली, ठीक है, वो ये टास्क में आपको हेल्पफुल होगा, राइट, मींस हमने पढ़ा थियरी, थोड़ा सा ग्रामर और बहुत सारा प्रैक्टिकल, राइट, सो जैसे मैंने आपको बताया हमारा मोटो यही है कि जिस तरह से आपने मदर टंग सिखाए उसी तरह से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, राइट, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश fluently, flawlessly, confidently, right? चलिए अभी हमारे पास 15 minutes और है, so आपको last introduction दे दूं कि हमारा course detail actually है क्या, okay? और किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। देखो ये course, ये जो class है हमारा free था, माइनर एक रुपया चार्ज रखा था, वन रुपी, बट अगेन इट वॉज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं था, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो वरीज, ठीक है। ये हमारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने पहले डिस्कस किया था, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने एक्टिविटीज का भी देख लिया एक नजरिया, कि एक्टिविटीज किस तरह से होगा, ठीक है, अभी तो बहुत सारे एक्टिविटी, आपको तो सिर्फ एक इंट्रो दे दिया किस तरह से हम पढ़ाएंगे, कि हेलो हाय में भी हम कितना बेसिक से हम गए, एकदम डीप में गए। अभी देखिए हमारा इंग्लिश का लेवल, आपको जो पढ़ाया जाएगा थ्री फेज में, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, अगेन बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा वो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस का पार्ट था, राइट, क्योंकि पिक्चर को देख के सेंटेंस बनाना इट इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट, राइट, और आपको पढ़ाते पढ़ाते दो घंटे पूरे भी होने आए हैं। सेकेंड चीज, कुछ मिस हो गया, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में जब भी कंडक्ट करेंगे उसमें कवर अप करवा लेंगे। सो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, एक महीना बेसिक चलेगा, एक महीना इंटरमीडिएट चलेगा, एक महीना एडवांस चलेगा,
मतलब दो महीने में क्लियर हो जाए, और तीसरा महीना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रखा है, ठीक है। सो दो महीने में ये थ्री फेजेस कंप्लीट हो गए। डेली 1 आवर होगा मंडे टू सैटरडे एट योर कन्वीनियंट टाइम, राइट। देखिए हमारा कोर्स का फी है 15,000, हमारा कोर्स का फी है 15,000। सारे लाइव क्लास हो गए जैसे अभी हो रहे, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। आपको ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए पढ़ लो, नहीं, ठीक है। लेकिन दिवाली है, ठीक है, सो आपको ऑफर भी दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो हम बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं अभी, सो आपको यही 15,000 वाला कोर्स दिवाली ऑफर की वजह से, ठीक है, 15,000 में नहीं दिया जाएगा आपको, यही कोर्स दिवाली की वजह से सिर्फ और सिर्फ 499 में मिलेगा। यस 499 मतलब 500। ओके नीरज, नो वरीज, वी विल स्टे ऑन द लाइव क्लास, आफ्टर वी कैन टॉक। सो आफ्टर मीन्स आफ्टर ऑफर, मतलब आपको देखा जाए तो मोर देन 95% आपको डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ दिवाली की वजह से, राइट। हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, हम उनको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दें, राइट। सो आपका 15,000 वाला कोर्स 499 में मिल रहा है, ठीक है। दो महीने के लिए बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंग्लिश अकेडमी की ओर से, ठीक है। लेकिन आप अभी साइन अप करते हो तो, ठीक है, अगर आप लेट हो जाओगे सो अगेन कोर्स जो है वो वही चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैंने इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करोगे, अभी मैंने एक लिंक शेयर किया है, आप देख सकेंगे, वो क्लिक करोगे डायरेक्टली आप वो पोर्टल पे चले जाएंगे। आपको 499 पे करना है और आपको एक पेमेंट रिसिप्ट भी मिल जाएगा कॉन्क्रीट, और हमारी ओर से एक घंटे में आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, राइट। अभी मैंने जस्ट लिंक किया है, शेयर किया है, वो आप देख लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके, दिस वन, राइट। अब और भी बेनिफिट है आपको, क्या बेनिफिट है देख लेते हैं। हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का वैल्यू है 25,000, मगर जहां पे हम लोकली या जस्ट जिसको सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, देखिए पब्लिक स्पीकिंग का चार्ज है 10,000 और पर्सनल डेवलपमेंट का है 15,000, अल्टीमेटली 25,000। लेकिन अभी आपको ये दोनों कोर्स स्पोकन इंग्लिश के साथ, मतलब आपको तीनों होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप तीनों कोर्स लेते हैं तो आपको यही तीनों कोर्स सिर्फ 999 में पड़ेगा। कितने में? अगेन 999, मतलब 1000 में 3 महीने का कोर्स, ठीक है, जहां पे आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सिखाया जाएगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलप के लिए जो भी की पॉइंट्स है, जहां पर भी आपको दिक्कतें आ रही है वो आपको सिखाई जाएगी, प्लस पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाया जाएगा। आपको पब्लिक स्पीकिंग पता होगा कि किस तरह ग्रुप में या फिर कोई मीटिंग में बोला जाए। अभी आपने देखा होगा पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत क्रेज है, ठीक है, चाहे स्कूल के बच्चे हो कॉलेज के, वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अल्टीमेटली यू गोना बी अ लीडर इंस्टेड ऑफ फॉलोअर, एक लीडर की तरह आप उभर आएंगे, ठीक है। सो स्पोकन इंग्लिश प्लस दो कोर्स आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर आप पब्लिक में कोई भी आप कोर्स अटेंड करोगे, अगर आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, आराम से आपको 10,000 या 15,000 सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का होगा, पर्सनल डेवलपमेंट का अलग से, स्पोकन इंग्लिश का अलग से। सो आपको वही चीज ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे 999 में मिल रही है, लेकिन अगेन अभी साइन अप करोगे तो, ओके, अगर लेट हो जाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग, सो वही हमारा रेगुलर प्राइस हो जाएगा। लिंक मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप देख लीजिए। अगेन
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, जो पब्लिक स्पीकिंग में भी क्या क्या इंक्लूडेड है, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल, सॉफ्ट स्किल. आप गूगल पे सर्च कीजिए कि सॉफ्ट स्किल फीस इन इंडिया, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए. टाइम मैनेजमेंट, मैनर्स एटिकेट, बॉडी लैंग्वेज, एंकरिंग, हैंड राइटिंग कोर्स, यस हैंड राइटिंग कोर्स भी इंक्लूडेड है हमारे यहाँ, कि आपका हैंड राइटिंग भी अच्छी तरह से हो. हाउ टू डेवलप एप्टीट्यूड, मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा कि स्ट्रेस में भी किस तरह से पीसफुल होकर अपना काम करना है. ड्रेसिंग सेंस, कौन से इवेंट में कौन से कपड़े पहनने, कौन सा कलर पहनना है जो प्रोफेशनली सूट होगा. इंटरव्यू स्किल, अगर आप में इंटरव्यू कोई भी जगह जाते हो, सो आप पहले ही बार इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, आपको टिप्स और गाइडेंस दिया जाएगा. जेस्चर पोस्चर, आपका बैठने उठने का तरीका, एंड मेमोरी टेक्निक्स, ये सारा आपको सिर्फ 999 में इंक्लूड होगा. स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, अगर आपको मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप क्लिक कीजिए और उसमें साइन अप हो जाइए. अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने ग्रुप में हमारा इंग्लिश एकेडमी का बारकोड भी डाला है, यू कैन यूज इट, जस्ट स्कैन इट, पे इट एंड शेयर द रिसीप्ट. राइट, नाउ हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. नीरज, शुभम, नितेश, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग टाइमिंग, रिगार्डिंग ड्यूरेशंस, रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट, वॉट एवर इट विल बी. शुभम, नीरज, नितेश, एनी क्वेश्चन? ठीक है, टाइम एंड फी, देखिए टाइम तो हम वही टाइम रखेंगे जो आपको कन्वीनियंट हो, और मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग का टाइम होगा, आप स्कूल कॉलेज से फ्री हो जाओगे, अगर जॉब करते वहां से फ्री हो जाओगे. और फी आपको बता दिया कि सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है, सो 499, और आपको पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है. आज के जमाने में आपको लैंग्वेज के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसमें एनरोल करते हैं, सो 999 जस्ट. एक आपका शर्ट और पैंट भी आप लोगे तो भी 500 या 1000 में आ जाए, उससे भी कम फीस में हम आपको ये सिखा रहे हैं. अंटिल व्हेन, जस्ट टुडे, जस्ट फॉर टुडे, ठीक है, आज ही के लिए ये ऑफर है. कल दिवाली है, बाय द वे हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. राइट, आप दिवाली के टाइम पर भी अपना इतना 100% दे रहे हैं सीखने के लिए, अपने आप को कुछ बेहतरीन बनाने के लिए. आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन. अगर आप अभी के अभी साइन अप करते हैं, लिंक भेज दिया है, पेमेंट रिसिप्ट सेंड कर दीजिए, आपको विद इन 1 आवर कंफर्मेशन मिल जाएगा टाइम और ड्यूरेशन का, कि कब आपको कब आपको लॉग इन करना है. आपको अलग से अलग जो हमारे डिफरेंट ग्रुप है जो पेड कर लिए है, उनके आपको ऐड कर दिया जाएगा, और आपको सारी इंफॉर्मेशन वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी. यस, इवन हम पर्सनली भी कर सकते. 2 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है. यूजुअली हमारे सेंटर पे 10,000 हम लेते हैं पर स्टूडेंट, जो हमारा 2 महीना प्लस 1 महीना फ्री देते, ठीक है, 2+1. लेकिन आपको वही कोर्स, सेम चीज आपको 2 महीने के लिए दिया जाएगा, वो भी 499. मतलब देख सकते हैं कहां पे 10,000, कहां पे 499. राइट, सेकंड चीज, जैसे आपको अभी सिखाया एकदम बारीकाई से, एकदम माइक्रो लेवल पे मैंने ले गया, हेलो, हाय, हाउ आर यू, उसी तरह से टेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो भी टास्क है वो आपको उसी तरह से सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस भी उस तरह से करवाया जाएगा. सो 2 मंथ में आपका इंग्लिश एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा. जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, प्रैक्टिस हेल्प्स यू टू इम्प्रूव. 2 महीना काफी है, इवन 21 डेज इज इनफ टू इम्प्रूव एनीथिंग. 21 डेज में आपको हैबिट हो जाएगी, और बाकी के दिन प्रैक्टिस करके आप बेटर हो जाएगा. 2 मंथ्स
इज चलिए मैं आपको माइक का भी अलाउ दे कर कर देता हूं, ठीक है? मैंने आपको माइक का भी परमिशन दे दिया है, ठीक है? सो 2 मंथ में इजिली कवर अप हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, मैंने अभी 2 घंटे में बेसिक के कुछ पॉइंट्स कवर अप किए। वही चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाएंगे और 2 महीने में आराम से आ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि 2 महीने में आपको नहीं आ रहा है, तो हम आपको 10 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड देंगे। 10 डेज में आप कुछ भी है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ग्रामर में इंग्लिश में कोई भी दिक्कत है आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस सर, आई हैव सम क्वेश्चंस। यस बोलिए। एक्चुअली सर, एज यू जस्ट टोल्ड दैट ओनली आई हैव टू गिव ओनली 2 मंथ्स, राइट सर? Then sir, I have some doubt, because how is it possible that only within two months I will get lots of, because I want that only learn and understand, accept all them. I also want to teach. Then I think this is just surprised for me that how can be possible to learn English like what I want to learn. Neeraj, sorry to interrupt you. See, the way you are talking, it is really good. Means you know some fundas, you know how to speak English. Means little bit. Okay. Yes, sir. Now, this course is not for the zero level. मतलब उसके लिए नहीं है जिसको ABCD भी नहीं आती। आपको इतना तो आता है, you know very well. So 2 months is easy to complete this course. फिर भी 2 महीने में अगर आपको नहीं आता तो आपको 10 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब आप देख सकते हो कि टोटल होगा 70 डेज, उसमें कवर अप हो जाएगा और हम आपको गारंटी देंगे आपको आ जाएगा, ठीक है? और फिर भी दिक्कत होती है, आप कभी भी हमको पूछ सकते हैं। हाँ, आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कभी भी रेंडमली आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कोर्स कंप्लीट हो गया मतलब आप अपने घर में, हमारे घर नहीं, आपको एक्सेस दिया जाएगा 1 साल तक के लिए। कभी भी आपको दिक्कत आती है, सर हमको ये ग्रामर में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, नो नीड टू वरी। लेकिन यस, 2 महीने हमारा कॉन्स्टेंट होगा बिना रुके, लेकिन 2 महीने खत्म हो जाते उसके बाद आपको 1 ईयर का आपको पीरियड दिया जाएगा। 1 ईयर में क्या होगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हो, आइदर इन वुड बी ग्रामेटिकल और एनी प्रैक्टिकल। कैन आई आस्क वन अनदर थिंग सर? यस यस प्लीज। एक्चुअली सॉरी टू से बट आई आल्सो रन अ कोचिंग ऑफ इंग्लिश क्लासेस, देन ओनली आई, यस सर, एंड ओनली आई जस्ट थिंक दैट what's the rule or what's the process to make others speak English like any other foreigner people, as you know that what the process to speak like the way of talking, that how I'm going to talk with you in English. Then also I want that any other agents like me and other newcomer, they also want to speak English like you and any other foreigner country. Then just I want to ask you that you just can guide me that what's the process to make others speak English like any foreigner people, because all the grammatical terms and competition terms, like all the things, as far as I know, only one thing, if you guide me that how can I make them others speak English like you and any other foreigner people, because I know that what's the process, but sometimes what I feel that I don't get have much confidence that if could I get any wrong, then how could any other audience just steering me like who are you, what are you going to teach, and I think you can't do and you can't teach. So that is the problem sometimes which I used to face. So just if you give this opportunity that how could I overcome, sometimes I used to
this. Only I want this help. All right, Neeraj. So let me tell you, it is not only you who are observing us. It is not only you. Actually, we take this class every Sunday. And hundreds of students enroll and hundreds of students take this demo. It is one kind of demo, you can say, right? Yeah. Second thing, the method you are asking, sorry, I cannot reveal you because that is the our, you can say USP. I cannot say, but yeah, I just want to say one thing that we focus practically more instead of theory. Yeah. You already observed how have I taught you either the small topic, hello and hi, or the big topic, observe from the picture. I got your style how to teach. Pardon me? Yeah, actually, I just told you that I got your style that how to teach. How could? I just told you that you know how to teach any other student offline, whether online. You are good and you are good at English, as I know. Because I just, till that time, I am just observing you that how you understand us. Yeah. Because that thing I, Neeraj, I told you that you are not only one guy that who observe, who take the this free class and observe everything. Yeah. So it is common for us. So we are used to it. No worries. In spite of, if you want to take more tips, so do one thing. Actually, it is recorded line. So I cannot tell you more, but just WhatsApp me personally. So I'll give you more information. Top of that, yes, wherever you teach, definitely we are in the same business. So more thing will not be shared. But yes, our intention is to give teaching, good teaching to the students. So make sure practice and make practice. You must follow this rule. Sorry to interrupt you because can I say, sir, if you have give me this opportunity, then I will speak. Otherwise, not. Yeah, continue. Okay, sir. Actually, last 4 or 5 years, I used to teach. Yeah, and this time I have approx 500 plus students. And only I handle all that students only for offline. And also sometimes I think that what if I all these students just go online and I want to teach from there, then sometimes I just feel because I have 500 plus students and all these students are going to learn from me. And I used to teach them that how to speak English. And I used to 4 letters, LSRW. And just I tell all them that L stands for listening and S stands for speaking and LSR, R stands for reading and W stands for writing. And with the help of these 4 letters, I teach them that how could we overcome our fear that how to become what I want in English. These are the main things. These are the key points. Definitely, we should follow this rule. If you want to learn any language, if you follow this rule, LSWR, everyone can be master on that language, whatever it would be, right? Yeah. Just stick with your rule. It is really good. But yes, involve your student in practice. The more they practice, the more the better. Yes, sir. You're right. And also, I follow you. I follow this. Yeah, and no way. In the beginning, you just told us that, sir, I have many foreigner friends like US, Canada, you just told. Yeah, and that's right. Kind of you, I have also a friend like Bangladesh, Pakistan, and Africa, South Africa, and let me tell you, and America, London also. I have 10 plus friends who belong to foreigner country, and whenever they get have time and I get have time, then I be wish to talk with each other, like what's your culture, what's the weather, where you're living, this type of this. Then I don't think that any people in front of me, if he uses to ask questions to me, then I will ask. I will give answers.
all that they want to ask from me, because I don't have any fear. If I know that I got a mistake, then I don't have intention, because I know practice next I'm not preparing. Until I don't practice, then how could I learn that? How to teach other students? Because I don't have any system. Like, oh shit, I just did a mistake here. Sorry. I don't have this. I know I'm a student, and until I don't know that, how could I make a mistake? Then how could I learn? Practice, and practice. I do this. As I know, sir. Yeah, and we must require one mentor. Okay. Yes, sir. You are right. Mentor helps to minimize your mistake. They point you that this is your mistake. You don't need to make mistake anymore in the future. Right. Yeah. So mentor is very important. Either you teach a language or any topic, you must learn the expert one. You cannot rely on the ordinary person who has just scattered knowledge and gathered all together and just represent you. No, you must learn from the expert, right? Because what happens if you learn from the expert, no matter where they dwell, if you learn from the expert, they have each and every information, because they spend their time, that whole life, to learn this thing and teach this thing. Okay, so expert is very important. And in our English Academy, we are expert, because we are not teaching this thing for 1 year, 2 years. We have been teaching for many years, right? So definitely you're gonna learn intonations, voice modulations, and everything. How US, Canadian, UK, Australian people talks and speaks, and their pronunciation too, right? So we will focus on that. No worries, Neeraj. It was really nice talking with you. And yes, we will talk later, even for the any details. Thank you so much. Yes, Nitesh, any question? Nitesh, can you hear me? Yes, sir. Yeah, any question with this? No? Okay. No, sir, I have no any question. Very good, no worries. So see, I have already shared that how do we teach and what method do we use, right? After enrollment, you will get all the materials in your email or your WhatsApp. So you can go through it and improve your spoken English skill. But yes, one thing keep in your mind. As a good teacher, I want to give you one suggestion. Always learn from expert. Don't learn from any videos and books, because if there is nobody who can correct your mistake, you can definitely, you will spend your lot of time. Okay? Your time will be wasted. Right? So, aapke paas ek aisa to hona chahiye jo aapko improve kare. आपको कर मिस्टेक ओवरकम करे, राइट? सो नो वरीज, टाइम्स अप, सो सी यू लेटर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, हैस्टा ला विस्टा, बाय बाय, टेक केयर.